तो ये दिखा हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े होंगे। तो दोस्तों अभी हो रहा है रात के टाइम, दिखाता हूँ आपको 11:13। तो ये अभी रात को 11:13 हो रहे हैं और अभी हम आए हैं रानीखेत आए हैं रात को 11:00। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नवरात्रि का जैसा माहौल बन रहा है, तो आपको नवरात्रि के बारे में यहाँ बताऊँगा थोड़ा कि आजकल रानीखेत में भी नवरात्रि का प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी यह है गांधी चौक, यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और आपको वहाँ पर आगे जाके दिखाऊंगा अच्छी तरह से पूरी तरफ से। तो चलते हैं थोड़ा आगे पहले, फिर बताएंगे हम आपको। अभी हम आए हैं चिन्ना से रानीखेत, 11:13 हो चुके हैं और इधर देख सकते हैं नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर ऐसी तैयारियाँ चल रही हैं, ऊपर से पूरी ये लगा रखे हैं चमचमाते हुए, कितना सुंदर लग रहा है देख सकते हैं। और इधर लगा है टेंट ऊपर, यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होगी नवरात्रि जब से स्टार्ट होंगे। और इधर लगे हैं टेंट, यहाँ पर दुकानें वगैरह लग जाएंगी। और बाकी देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है इधर को, मस्त वाला देख सकते हैं। यह है गांधी चौक, तो अभी आपको आगे थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा मस्त करके देख सकते हैं दोस्तों, इधर खड़ी है हमारी वाहन जो कि बिकाऊ है। अगर किसी को भी चाहिए होगा वाहन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 महीने पुरानी है। और आप बाकी देख सकते हैं यह है गांधी चौक, यहाँ पे पूरी तैयारियाँ, हार्दिक अभिनंदन माँ दुर्गा पूजा महोत्सव समिति गांधी चौक रानीखेत। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम, यहाँ पर होने वाले हैं तो दुर्गा पूजा होने वाली है इधर गांधी चौक पे। तो फिर रानी के टेंट वगैरह लग चुके हैं पूरा, यह है गांधी जी की मूर्ति। बाकी आपको अंदर जाके तो कुछ अभी तैयारी चल ही रही है, अभी कुछ अंदर दिखाने लायक तो कुछ खास है नहीं, बाकी थोड़ी देर और रुकते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद से निकलते हैं चिन्ना को। बस आपको इतना ही दिखाने आया था इधर, बाकी थोड़ा आगे तक घूमते हैं। यहाँ से दिखाता हूँ आपको पूरे रिसोर्ट, और रात को गायें देख सकते हैं आप इधर कितना ऐसी घूम रही हैं। यहाँ से है यहाँ पर लगेंगे नवरात्रि का कार्यक्रम होंगे यहाँ। बाकी देखते हैं दोस्तों गायों को कैसा छोड़ा जा रहा है रात भर रात को, क्योंकि ये बैलू हो तो ये गलत बात है, कम से कम पाल नहीं सकते हो तो ऐसे छोड़ा भी मत करो। देख सकते हैं रात को कितना ऐसी गायें ऐसी रात को इधर उधर चल रही हैं, ये थोड़ा बहुत श्रम भी नहीं है लोगों को, लैस के लोगों गायों को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, अपना कुछ तो दया करो। बाकी हम अभी थोड़ा नीचे को चलते हैं, बाजार और का भी सुनना है, पूरा खाली और का है, कोई गाड़ी और कुछ नहीं दिख रही है, बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि गाड़ी आ रही है ऊपर से। बाकी बाकी आपको ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, बाकी आपको मिलाते हैं एक खुशनसीब एक रैपर साहब से जो कि आप यहाँ पर है, हल्द्वानी से पहुंच चुके हैं, एक रैप करके सुना दे सर। अभी अभी आया और सांस तो लेने दे भाई जो आते कैमरे में फोन दे रहा है वो तो मैं तो ब्लॉक कर रहा था ऐसे ही, मैंने कहा तू आगे नहीं समझ गए मेरे भाई। ब्रो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से रानीखेत, बाकी अभी हिसाब करता हूँ दाजू का फिर आपसे बात करते हैं पहले। दाजू रकम वकम का तो ऐसा ही है ये हिसाब करने दो पहले, तब तक हम इधर को दिखाते हैं आपको। मस्त वाला देखो कितना खूबसूरत लग रहा है रात को चमचमाते हुए तारे, इतना अच्छा मौसम, इतनी हवा, इतनी अच्छी सुंदर सी हवा चल रही है ना, हाय हाय मज़ा ही आ जाएगा। टाइम आपको दिखाई दिया था, एक बार दोबारा से टाइम दिखाता हूँ आपको कितने बज चुके हैं अभी। तो अभी पहले तो इसको ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों समय हो रखा है रात्रि के
11:18 पे। क्या कहा सर आपने? ओके सर ओके। कुछ छूटा तो नहीं है? तो सर ये शादी वगैरह नहीं हो रही है, नवरात्रि की तैयारियां चल रही है सर। हाँ फिर हार्दिक अभिनंदन माँ दुर्गा पूजा महोत्सव समिति गांधी चौक रानीखेत। ऐसा चला सर, आप स्वेटर पहनिए और उसके बाद चलिए। तुम्हारे स्वागत में तो लगाया है जैसे क्या था संडे को भी बीटी दीदी पापा ने, यार मैंने सोचा जाने दो बे पापा मेरा, गाड़ी मुड़ी कापा सेड़ा, पैसे जोड़े आपस में फिर बोतल डाली कागज में, बे कितनी टॉफी देगा भाई, बाकी पैसे वापस देना। मजा आ गया सर, वाह। बाकी पैसे वापस वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया आपके रैप में। बाकी हम थोड़ा पहले यहाँ से बाइक मुड़ाते हैं और आपको रास्ते में रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलेंगे चिन्ना की तरफ को। लो इसको पकड़ो तुम पहले आराम से। अब मैं बैग वगैरह ठाकता हूँ अपने पीछे से और चाबी दाजियों को सौंपता हूँ। इसको भी पकड़ना है तुमने, इसमें अपने पोस्ते ने वहाँ के कैफे के। ओके सर, और बाकी हम मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। दाजी बाकी आपको जो भी अपडेट होगी रास्ते में देते रहेंगे, जैसा भी हमारा सफर रहेगा उसकी टेंशन नहीं। मैप नीचे वाली रोड से चले, मैप वाली जहाँ से वहाँ के बाग जी गया है, जहाँ से तुम बोलो दादी वहाँ से चलेंगे। ठीक हो गया, आज तुमको दिखाते हैं असली वाला। तो दोस्तों फाइनली हम रानीखेत से निकल चुके हैं चिलिया नौला की तरफ को। और बाकी अगर दोस्तों अगर आपकी किस्मत में रहा बाग बाग का देखना तो आपको देख सकता है, क्योंकि ये पूरा जंगल है आगे को, आप लोग देख सकते हैं हम किस रोड पे जा रहे हैं ना। अब रोड को देख के पहचान जाएंगे। अभी आप देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत ही बचा है, अभी तो पूरा रास्ता बचा हुआ है। अभी जाने वाले हैं हम नीचे वाली रोड से, मैप से नीचे वाले से बस। और आप देखिए हम जंगल में एंट्री कर चुके हैं, ये जंगल स्टार्ट है भाई। थोड़ा इधर उधर कर कैमरा दिखाई, लोगों का कैसा जंगल है आसपास, देख सकते हैं पूरा घर वगैरह कुछ नहीं है घर। और इधर इस रोड पे कोई गाड़ी भी नहीं है, हम हमारे अलावा इकलौती हमारी गाड़ी चल रही है इस रोड पे अभी। तो बने रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल में, हमारे ब्लॉग में, हीरा लखेड़ा ब्लॉग्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जैसा भी अपडेट आपको कैमरा से चालू है, बाकी आपको इतनी गारंटी देते हैं, आपको इस ब्लॉग में 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, मजा आएगा। हाँ, कोशिश पूरा आपको दिलाएंगे कि आपको इस ब्लॉग में मजा आए, क्योंकि ये पूरा एडवेंचर वाला ब्लॉग है ना भाई। क्योंकि रात का ब्लॉग अभी किसी ने देखा होगा, तो रात का ब्लॉग मैं बनाऊंगा आपके लिए। और आपका भाई रात को 12 बजे सड़क पे अकेले चल रहा है, आप देख सकते हो अभी 20 की स्पीड में, ताकि कोई आपको बाघ कोई जानवर कोई भालू कोई हिरन कुछ दिख सके, समझ रहे हो आप। लोग तो फोर व्हीलर में जाते हैं बचने की, कोई रास्ते में जानवर ना मिले, हम टू व्हीलर में जाते हैं कि रास्ते में हमको रास्ते में कुछ मिले, इसीलिए जा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ दिल से यार कुछ ना कुछ तो दिखे आज मैं। हाँ भले ही थोड़ा दूर दिखे कुछ भी दिखे, अपने पास तो आज 250 है, भगा ली थोड़ी है। हाँ तो है, कैमरा तो चालू है, बस रास्ते में दिखने का इंतजार है। देखिए वो भी यही बोला था गाड़ी वाला। हाँ। भाई मेरा बैग टाका ना। हाँ। और वो मेरा जो पॉली बैग था। हाँ। वो पकड़ा है। हाँ। वो लिफाफा पकड़ा है, बस ठीक है। हम काटने वाले हैं यहाँ से दाएं तरफ को, ऊपर से चलेंगे जिसे जहाँ को आपकी मर्जी है, यहाँ से लंबा पड़ेगा यार। चलो फिर चलो, बात दिखना होगा तो चल यार तेरी मन है तो बोलेगा फिर। ऐसी कोई नहीं है, जहाँ से आपकी मर्जी है यहाँ से दिखेगा दिखेगा। कहाँ से? यहाँ से नीचे से। तो गेट डाल लेंगे यार, बाघ जो दिखे तो बाघ के सामने न्यूटन में थोड़ी जाऊंगा यार, ऐसी बात ही कर रहा है वो। तो अभी बाघ देख रहे हैं हम, खुश तो जा रहे हैं। बाघ लोमड़ी शाओ मोर बैल कुर कुछ भी दिख जाए, कुछ ना कुछ दिखे पर यार दिखे कुछ आज, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। लोग इतना खर्चा करके बाघ देख, भाई लोग कहाँ कहाँ से दिल्ली से बम्बे से खर्चा करके यहाँ बाघ देखने आते हैं। हाँ। हमें फ्री में दिख रहा है तो यार हम नहीं देखेंगे क्या? वो तो है खैर, बाकी रैप भी सुना दो अभी जबरदस्त वाला। रैप भी सुनाएंगे भाई तुझे, मौसम तो मेरा भी हो रहा है रैप सुनाने वाला पूरा। हाँ मौसम भी जबरदस्त हो रहा है, जैसे कि
संडे को भी बीटी दे दी पापा ने यार। मैंने सोचा जाने दो बे पापा, मेरा गाड़ी मोड़ी कापा सेड़ा, पैसे जोड़े आपस में, फिर बोतल डाली कागज में, बे कितनी टॉफी देगा भाई, बाकी पैसे वापस देना भाई। डरता नहीं अपने बाप से, मतलब तेरा भाई डरता बस अपने बाप से। अपनी शकल जैसी भी हो बंदी चाहिए तापसी पर, राखरी में अपने हाथ से ही लेते चाप से। तेरे भाई को सारे अंकल जानते हैं नाके पर, जो भी उछले हंसे दादा उसके देते चाटे धर। दूरी रखो उनसे जिनके सी लिखा माथे पर, बाकी सबकी 3-2 चल आगे बढ़ आगे बढ़। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हम तो सुलझा लेते फोन पे। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, ऊपर तक है बातचीत रोकेगा कौन बे। ये मजा आ गया सर, मजा आ गया। दिल्ली वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे तू, भाई बनेगा तेरा सारा खाने बिना अपनी जेब से डालेंगे तू, बाप बनेगा सर पे चढ़ेगा घर तक छेद के मानेंगे, एक बार और मुंह खोल तेरे कुलचा फेंक के मारेंगे। सकल पे अपने दिखता नहीं जा टेंशन नाचे सर पर, मजा नहीं आता तब तक जब तक करना दे कुछ गड़बड़। भाई तेरे ने गाड़ी लिया घर वालों से लड़कर, बेस ट्यूब एम्पलीफायर शीशे कर रहे भर भर, मोहल्ले में बन रहे सारे खाली पिल्ली नेता, तो हमने भी गाड़ा साइड वाली आंटी जी का नेता। महीने भर में पेड़ डाले 40 GB डेटा, और घर वाले को लगता है लड़का गाली भी नहीं देता क्या। गलत अपने लौंडे, ऐसा ही था जितना भी था मस्त था। तुम बस चलते रहो, ब्लॉग कंटिन्यू है, ब्लॉग कंटिन्यू है दोस्तों। भाई रात के बज रहे 12 और तुम्हारा भाई चल रहा है बीचों बीच जंगल में। ये देख लो टाइम भी देख सकते हैं गाड़ी के सामने, उसमें बाकी अभी भगाने का मन नहीं कर रहा है। इधर से पूरा पेड़ ही पेड़ है और कोई वो नहीं है। अभी हम एनसी ग्राउंड के नीचे पहुंच चुके हैं, नीचे वाली रोड से आ रहे हैं। बाकी देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है आपको, थोड़ा ऊपर नीचे भी दिखाई कैमरा, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आगे क्या ही दिखाऊं, अगर घर होते तो यहाँ पर लाइट चलती बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जंगलों के स्ट्रीट लाइट होती ना वो भी चलती। ओनली गाड़ी की लाइटें दिख रही है थोड़ा सा आगे को, बस इसके अलावा पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। हमारी गाड़ी की लाइट के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, और जो दिखेगा हमें रोड में ही दिखेगा आगे से। आराम से चलेगी गाड़ी, अब नक्शेबाजी गाड़ी के साथ नहीं करनी ना, मुझे पहले से पता चल गया है। गाड़ी के साथ नक्शेबाजी करोगे मतलब अपने साथ नक्शेबाजी कर रहे हो, इसलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, गाड़ी के साथ कभी भी बकचोदी नहीं। गाड़ी ने जिसने गाड़ी को बनाया, गाड़ी ने उसको नहीं बख्शा, हम तो उसके सामने कीड़े हैं। इसलिए औकात से चलो, आराम से चलो, अपनी साइड चलो, बस एक मशीनी है, मेरा यही मानना है भाई। सही तो मशीन को जैसा चलाओगे वो ऐसी चलेगी, जैसे हमारा शरीर मशीन है वैसी गाड़ी भी मशीन है भाई। हाँ। अपने शरीर में तुम अगर 10-20 रोटी खा लोगे वो दिक्कत देगी, लिमिटेड खाओगे वो सही रहेगा। हाँ। अति हर चीज की बेकार है ना यार। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, ब्लॉग कंटिन्यू है, 4 मिनट के ब्लॉग बन चुका है अभी तक, 4 मिनट का बन चुका है। हाँ। बढ़िया भाई, दिखा हमको अभी तक कुछ नहीं। हाँ यहाँ मुश्किल लग रहा है, 26 की स्पीड में चल रही गाड़ी और अभी नज़र बहुत तेज हो गया हमारे, बहुत तेज कैमरा उसी हिसाब से हमने खोल रखा है कि कुछ ना कभी ना कभी कुछ तो दिख जाएगा करके। ये तो है, टेंशन भूत की नहीं है, ना भाग की नहीं है, भूत की है। उसी के मैं भी कह रहा हूँ ना, बाघ तो 2-4 दिख जाए उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, वो तो साइड से निकल लेगा। तो ये दिखा, ये गया। एक चीज तो दिखी, एक जना दिखी थोड़ा सा खरगोश दिखा। हाँ, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी चिलियानोला हेड़ा खान मंदिर के पास में, और बस आप लोग को हेड़ा खान मंदिर के दर्शन चलते चलते करा देंगे, चलते चलते करवाते हैं आपको थोड़ा सा मंदिर के दर्शन। और ये है हॉस्पिटल, यहाँ से अंदर को देख सकते हैं, हॉस्पिटल का गेट है इधर, ये अपना मंदिर आ गया, ये है मंदिर इधर, ये है आश्रम का गेट और ये है मंदिर का गेट यहाँ पे।
ये मंदिर का गेट है। दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहे हमारे चैनल में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।